सो है गाइस, आज बहुत दिन बाद फिर से मैं क्यू एन ए वीडियो लेके आ रहा हूँ, क्योंकि गाइस मैं इतना दिन क्यू एन ए नहीं ला पाया। मैं क्वेश्चन इकट्ठा कर रहा था और भी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो, पर फाइनली आज लेके आ गया। और मैं फेस कैम कुछ दिन से बना नहीं पा रहा हूँ, आप लोग को लगेगा क्यों, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एक बहुत मस्त कंटेंट में काम कर रहा हूँ। क्या कंटेंट तो मैं रिवील नहीं करूँगा, क्योंकि रिवील करूँगा पूरा जो मज़ा है ना कंटेंट देखने में पूरा किरकिरा हो जाएगा, इसलिए बोलूँगा ही नहीं। अभी कुछ दिन में आ जाएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। तो गाइस ये वीडियो भी फेस कैम नहीं है, नॉन फेस कैम है, पर वीडियो को प्लीज़ देखना, क्योंकि गाइस ये क्यू एन ए वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आप लोगों के लिए। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना। और भाई चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे ना, वीडियो को एक लाइक कर देना। चलिए गाइस आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन किया है किलर एलाइट गेमिंग ने, इन्होंने बोला है मे का वीडियो ऑफ रेड टेल कैटफिश डाइट प्लीज। अगर सच बोलूँ ना, मैं जो हूँ रेड टेल कैटफिश जो है ना छुपा रहता हमेशा मेरे एक में जो घर है, इसीलिए मैं उसे अच्छा से कर नहीं पाता, पर उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि उसको घर से निकालना पड़ता है, उसके बाद उसे खाना देना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो निकलता ही नहीं है, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो गाइस ये वीडियो आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रघुबर दयाल गुप्ता, इन्होंने बोला है पोमेरेनियन के पप्पी भी 5 to 6 के में ही आ जाएगा क्या? अगर आप लॉकडाउन के पहले लेते तो आ जाएगा, आ जाता, पर अभी अगर लेंगे मे भी पॉसिबल नहीं है, कुछ कुछ सेलर के पास मिल जाएगा, आप एक बार चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशीष चौधरी का, इन्होंने लिखा है भाई पिटबुल के पप्पीज भी लाओ 6 के तक। तो मैं बोलना चाहता हूँ 6 के में आपको अभी स्पीच भी मिलेगा कि नहीं का मतलब डाउट है भाई। पिटबुल तो दूर की बात है, अगर एक चीज़ बोलूँ ना, इतना बजट कम है ना, आप पिटबुल मत लीजिए, क्योंकि पिटबुल के पीछे महीने में बहुत खर्चा होता है, इसीलिए पिटबुल मत लीजिए। अगर आप छोटा मोटा डॉग पालना चाहते हैं ठीक है, स्पीच मीच पालिए या फिर स्ट्रीट डॉग ही पालिए ना, क्या जाता है भाई इंडियन डॉग ब्रीड्स, तो भाई 6 के में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिलेश शर्मा, इन्होंने बोला है क्या मैं इस समय पोमेरेनियन खरीद सकता हूँ फॉर अपार्टमेंट सेकेंड फ्लोर, और लोएस्ट प्राइस कितना होगा फ्रॉम देहरादून। तो भाई मैं इतना खुश हुआ देहरादून से भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है अभी पोमेरेनियन ऑब्वियसली खरीद सकते हो, क्या ही दिक्कत है, सेकेंड फ्लोर में भी रख सकते हो। लोएस्ट प्राइस अभी तो भाई 7 to 8 के में स्टार्टिंग हो रहा है, आप एक बार चेकआउट कर सकते हो, मेरे को देहरादून में कितना प्राइस उतना आइडिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरिता कुमारी का, कैन वी लिव पोमेरेनियन अलोन एट होम? ऑफकोर्स नॉट, यू कांट लीव अ डॉग अलोन एट होम। आप अगर डॉग पाल रहे हो, आप मतलब कोई भी डॉग आप अकेला नहीं छोड़ सकते, हार्ड टू वर्ड एक से दो घंटा छोड़ सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा आपका जो मतलब घर में चद्दर है बिस्तर है सब फाड़ देगा वो गुस्से से, इसीलिए नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमांशु जोशी का, इन्होंने बहुत सारा क्वेश्चन किया है, तो हर एक मैं पढ़ के सुनाता हूँ। प्लीज़ भैया मुझे दिला दो ये प्लीज़, और जो आपने कहा बिल्कुल सही है, सिर्फ ब्रीड डॉग नहीं स्ट्रीट डॉग्स भी अडॉप्ट करने चाहिए, मैं इसका अच्छा ध्यान रखूँगा प्रॉमिस। भैया कसम से मुझे आपके विचार बहुत अच्छे लगे, क्या आप ये डॉग मुझे देंगे प्लीज़? तो मैं बोलना चाहता हूँ ऑब्वियसली आप ले सकते हो, जो ओनर है उनको एक बार कांटेक्ट कीजिए, उनका कांटेक्ट डिटेल्स मैं वीडियो में दे दिया हूँ। और ऑफकोर्स मेरे को स्ट्रीट डॉग भी पसंद है, वैसा कोई बात नहीं है, मेरे को ब्रीड डॉग स्ट्रीट डॉग दोनों ही पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुचिता पुष्पा का, इन्होंने पूछा है रेड टेल कैटफिश कैन ग्रो 5.5 feet इन दिस साइज, इट कैन ईट योर रेनबो शार्क। तो भाई मैं बोलना चाहता हूँ अभी मेरा जो रेड टेल कैटफिश है बहुत ही छोटा है, कुछ नहीं करेगा अभी रेनबो शार्क को, जब बड़ा हो जाएगा मैं रेड टेल कैटफिश को एक पॉन्ड प्लान कर रहा हूँ, उस पॉन्ड में ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो गाइस अगला क्वेश्चन जो पूछा है वो पूछा है फिर से हिमांशु जोशी ने, क्वेश्चन नहीं है पर एक फीडबैक है, भैया मैं आपका सब्सक्राइबर रहूँगा हमेशा, और मैं गॉड से यही दुआ करता हूँ कि एक दिन आप बहुत बड़े यूट्यूबर बने, लव बिग ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। ये बड़ा यूट्यूबर कुछ नहीं है, मैं मेरा जो यूट्यूब आने का एक इंटेंशन है ना कि आप लोगों को एनिमल लवर बनाओ, एनिमल लवर होने से बहुत फ़ायदा है, आप लोग खुद देख सकते हैं, वैसा कोई बात नहीं है भाई, सब्सक्राइबर अगर आप रहेंगे बहुत मज़ा आएगा आपको, तो मेरे तरफ से भी प्यार आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं, फिर से फीडबैक शांतनु नाग के तरफ से, उन्होंने बोला है विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू पेट्स, तो थैंक यू भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन मॉड्यूलर गेमिंग वीडियो ऑन बेटा फिश, तो गाइस ये इसके ऊपर ही मैं काम कर रहा हूँ, यही एक स्पेशल वीडियो आने वाला है बेटा के ऊपर, पर अभी मैं नहीं बताऊँगा क्या है वीडियो। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है रितम मुखर्जी के, इन्होंने और भी क्वेश्चन किया आप लोगों को दिखाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है कैन यू टेल दैट हाउ मेनी डेज अ ब्लैक ओरंडा गोल्ड फिश कैन सर्वाइव। तो भाई मैं बोलना चाहता अपना एक्सपीरियंस से 5 years+ सर्वाइव कर सकता है अगर आप ठीक से देखभाल करोगे, मेरा जो था ना 2 years तक सर्वाइव किया था। तो अगला क्वेश्चन है फिश वर्ल्ड का, इन्होंने पूछा है ब्रो कैन दिस फिश बी केप्ट विदाउट एयर पंप। तो ये बोला है फ्लावर हॉर्न का बात, तो ऑब्वियसली नॉट,
आप लोग एयर पंप के बिना नहीं रख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रितम मुखर्जी का, हाउ मेनी एक्वेरियम्स डू यू हैव? मेरा है ऑल टोटल 7 एक्वेरियम्स अभी फिलहाल। तो गाइस ये चीज़ मैं दिखाऊंगा मेरा 1K सब्सक्राइबर के बाद। तो गाइस जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, मेरा चैनल जो है शेयर कीजिए। सिर्फ एक्वेरियम नहीं, मेरा हर एक टाइप का पेट्स आप लोगों को दिखाऊंगा बहुत अच्छा तरफ से, आप लोगों को पसंद भी आएगा। पर 1K सब्सक्राइबर चाहिए और मेरे को पता है हो भी जाएगा, पर मेरे को जो ड्रीम है मेरा इस ईयर का लास्ट तक चाहिए। तो भाई प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब, कैसे भी हो जाए शेयर कीजिए। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्विन पी का, इन्होंने लिखा है कितने में लिया था फ्लावर हॉर्न का बात करें तो मैं मतलब पर्टिकुलर प्राइस तो नहीं बोल सकता, अप्रॉक्स 500। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरिक खान का, इन्होंने पूछा है रेड टेल कैटफिश का प्राइस कितना लगा। फिर से वही क्वेश्चन, पर इसका भी मैं पर्टिकुलर नहीं बोलूँगा, अप्रॉक्स मेरे को लगा अप टू 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है साई साई का, इन्होंने बोला है वॉकिंग कैटफिश केयर वीडियोस। तो गाइस ये वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, उसके ऊपर मैं काम करना शुरू करूँगा कुछ दिन बाद, रेड टेल कैटफिश के ऊपर कर लूँ। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से रितम मुखर्जी ने का, इन्होंने दो क्वेश्चन पूछा है आप, तो दो क्वेश्चन जो है इन्होंने लिखा है इट्स माय फेवरेट शॉप आई बाई फिश फ्रॉम देयर ओनली टुडे यू वेंट टू दैट शॉप। इन्होंने फनी स्पॉट जो टूर दिखाया था उसके बारे में बात कर रहा है। तो भाई मैं बोलना चाहता हूँ हाँ भाई बहुत ही अच्छा शॉप है, मैं गया था उस शॉप में। तो गाइस ये था आज का Q&A वीडियो, होप करते इन्फॉर्मेटिव लगा है, लगाया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए गाइस आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।